क्वेश्चन आ रहा है वाले ऑनरेबल प्रोफेसर डॉक्टर नईम नबी इमाम सैयद है डायरेक्टर एकेडमिक्स फैकल्टी मेंबर्स स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा ये वेबिनार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड हम मुनाकिद करने जा रहे हैं जिसमें आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी नजात कैनेडा नजात साइंटिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर इमाम सैयद साहब आपसे बात करेंगे जिन्होंने ह्यूमन ब्रेन सेल्स को सिलिकॉन चिप के साथ कनेक्ट करने वाले पहले आलमी शोहरत याफ्ता साइंटिस्ट हैं। इस प्रोग्राम को बाकायदा आगाज दावत इकलामी पार्क से करेंगे जिसके लिए मैं दावत दे रहा हूँ जनाब फैसल साहब लेक्चरर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट एजुकेशन डेवलपमेंट। प्लीज أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله अब इस प्रोग्राम की एराज और मकासिद और मेहमान मुकर्रब के मुख्तसर तारुफ बयान करने के लिए मैं दावत दे रहा हूँ डॉक्टर नासिर अली साहब का स्टेज पे तशरीफ लाएं और प्रोग्राम की एराज और मकासिद और हमारे गेस्ट स्पीकर का मुख्तसर तारुफ हमारे सामने से पेश करें। सबसे पहले तो मैं आपका खास तौर पे नासिर अली का बहुत ही तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया। आप लोग इतनी दूर बैठे हैं लेकिन जो है वो उसमें कराबत भी काफ़ी है और मैं ये समझता हूँ कि यानी आप लोगों का यहाँ मौजूद होना इस वक्त ये भी एक अच्छी खुश आइन बात है। तो देखिए हम आज इनकी कोशिश हम यही करेंगे कि किसी तरह से यानी जो मुश्किल बातें हैं उनको थोड़ा सा आसान बना दिया जाए थोड़ा सा इजी बना के पेश किया जाए। और देखें जो नासिर ने बड़ी मोहब्बत के साथ जो तारीफ करवाया और यानी इल्म फजीलत तो है मैं समझता हूँ सिर्फ वो मुख्तसर मासूमीन के लिए। हम लोग किसी ने मौला अली से पूछा कि मौला में ज़्यादा से ज़्यादा कितना इल्म हासिल करूँ, आपने कहा कम से कम इतना कि तुझे अपनी जहालत का एहसास हो जाए। तो हमें तो अभी तक अपनी जहालत का भी एहसास नहीं हुआ। तो बहरहाल कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि आपको थोड़ा सा यानी जो फील्ड है इस वक्त उससे मुतारिफ करवा दिया जाए और फिर आपको ये बताया जाए कि आइंदा फ्यूचर में जैसे नासिर ने कहा क्या होने वाला है। तो देखिए अल्लाह ने कुरान में भी यही कहा है कि या अय्युहल इंसान अगर तुम बिहेव नहीं करोगे तो तुम्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा तुम्हें बदल दिया जाएगा। तो वो रिप्लेसमेंट क्या ऐसा तो नहीं कि वो यही सुपर इंटेलिजेंस मशीनें हैं जो सुपर एआई है जो हम डेवलप करेंगे। सो आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन एंड होपफुली होस्ट हैज टू एनेबल मी टू शेयर वो शेयर तो मैं करूंगा आपने सिर्फ मुझे परमिशन देनी है। यू हैव टू ग्रांट मी एक्सेस टू शेयर माय स्क्रीन। Okay, perfect. Thank you. Let me get started from the start. तो सबसे पहले मैं एक दफ़ा फिर आपका बहुत ही तहे दिल से ख़ासतौर पर नासिर अली का मुतशक्कर हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया आप लोगों से कनेक्ट होने का
और होपफुली आई थिंक यू विल बेनिफिट समथिंग, यू विल लर्न समथिंग टुडे। आप लोगों के यहाँ सर्दी है, देखिए ये कैलगरी से मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, हम लोग जो है वो यानी कनाडा के समझ लिए कि वेस्ट तरीन हिस्से में हम लोग रहते हैं, और आप सर्दी की बात कर रहे हैं, आपके यहाँ जो सर्दी है उसके मुकाबले में हमारी सर्दी बहुत ज्यादा है। अब ये देखें ये पार्किंग लॉट पे साफ बैठे हुए हैं और ये पूरी की पूरी गाड़ियां इस वक्त बर्फ में दबी हुई हैं। तो इस तरह से हम लोग रास्ता बनाते हैं, बट दिस डजंट एक्चुअली हैपन ऑल द टाइम। वी हैव ब्यूटीफुल लेक्स एंड इट इज जस्ट एज ब्यूटीफुल एज सकर्दो। सकर्दो आने का मौका नहीं मिला मैच, लेकिन इंशाल्लाह अगली दफा जरूर कोशिश करूंगा कि आप लोगों के पास आया जाए। बहुत ही तारीफ सुनी है आप लोगों का भी। You are actually a piece of heaven on earth, and Allah keeps it that way, inshallah. So what I'm going to do today is to thoda sa aapko mutarif karaunga brain se, brain ke structures ke saath, aur phir hum yani discuss karenge ki ye brain jo hai ye kis tarah se machine ke saath muttasil kiya ja sakta hai, aur uske dekhiye do main purposes hain ki agar hum brain machine या ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस हम डेवलप कर लें, और अगर एक कंप्यूटर या सुपर एआई को ब्रेन की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज का अंदाजा हो जाए, तो फिर आप यकीनन ऐसे डिवाइस, ऐसे रोबोट्स, ऐसे सुपर इंटेलिजेंट एआई डिवाइसेस बना सकते हैं कि जिनकी सोच और जिनका तर्ज अमल और जिनका सब यानी करना कराना एहसास वो इंसानों ही की तरह से होंगे। So let me walk you through a few interesting things. देखिए brain और computer का अगर हम यानी मवाजना करें तो human brain के अंदर hundreds of billions of brain cells हैं। आपके दिमाग में जितने brain cells हैं वो उतने galaxy में जो है वो stars भी नहीं है, और इनके trillions of connections हैं brains के, और brain की जो processing capability है वो 200 hertz है। तो जो लोग computer से वाकिफ है वो जानते हैं कि ये कोई इतनी ज्यादा नहीं है 200 हर्ट्ज, और यानी इसको समझ लीजिए कि स्पीड ऑफ साउंड के हिसाब से ब्रेन की फंक्शनिंग की कैपेसिटी है। इसमें स्टोरेज की कैपेसिटी भी लिमिटेड है और इसकी स्पेस की कैपेसिटी भी लिमिटेड है। तो आप दिमाग को फैला के जो है वो यानी सकर्दू के बराबर नहीं कर सकते कि जिसमें और ज्यादा इत्तलात और इंफॉर्मेशन आ जाए। देखिए आपका जो ब्रेन है वो दो हिस्सों में उसको अगर आप बांटें, एक कॉन्शियस ब्रेन है और एक अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन है। जो आपका कॉन्शियस ब्रेन है वो 40 फ्रेम्स पर सेकंड स्कैन करता है अगर आप स्कैनिंग को देखें, लेकिन आपका जो अनकॉन्शियस हिस्सा है दिमाग का वो 1.2 मिलियन फ्रेम्स को स्कैन उतने ही वक्त में कर लेता है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए इस वक्त आपका पांव कहाँ है, तो अभी तक तो आपको ख्याल नहीं था कि आपका पांव कहाँ है, लेकिन अब आप उसको हिलाने लगे कि यार ये तो है अभी भी मेरे पास ही है, लेकिन इससे पहले आपको इसका तसव्वुर नहीं था। तो ये जो अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन है इसके बारे में अगर हमने यानी तालमेल और इसके असरार और रमूज की अगर हमने गिरा कुशाई कर ली तो हम जो है वो कुछ भी बना सकते हैं। इसके मुकाबले में अगर आप मशीन को देखें जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है वो 20 गीगाहर्ट्ज़ है, और ये स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से समझ लीजिए कि 300 मिलियन फीट यानी मीटर्स पर सेकंड के हिसाब से कंप्यूटर प्रोसेस कर लेता है, और जो सुपर कंडक्टर कंप्यूटर्स हैं अब वो तो इससे भी कहीं ज्यादा हैं। तो जो एक हफ्ते में जो कंप्यूटर यानी जो डेटे की कैलकुलेशन करता है उसके लिए इंसान के दिमाग को तकरीबन 20,000 साल लगते हैं। तो 40 दिन के अंदर इन 40 डेज वी कैन एक्वायर एंड स्टोर डेटा जिसमें इंसानों को तकरीबन 100,000 ईयर्स लग सकते हैं। तो अगर आप मवाजना करें दोनों का, कंप्यूटर्स का और ब्रेन का, इन दोनों की कैपेसिटी का यानी मशीन का और ब्रेन का, इनमें कुछ चीजें तो मुमासिलत हैं और कुछ चीजों में एक दूसरे पे सबकत लेके चला जाता है। तो ये चीजें ज़हन में रखिएगा कि ये दोनों में इनी इक्विवेलेंट किस्म की कैपेसिटी है और उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है।